सरपंच न्यूज। शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की समस्या को जनता, नेता और प्रशासन के अधिकारियों को दिखाना चाहती है। हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं पंचायतों की और आंख खोलना चाहते हैं अधिकारियों की। और खासकर कभी कभी मुखिया भी बेबस होता है तो कभी कभी मुखिया मजबूर भी। हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं बियुनी अंदामा पंचायत। यहाँ के मुखिया हैं संजीव लाल दास जी, और उनका ये कहना है कि आप देख सकते हैं, पहले एक बार भवन दिखा दीजिए, इस बारे में हम आपको दिखाएं। कल हमने आपको दिखाया था ओझौल पंचायत का भी, एक जज ने 12 कट्ठा जमीन दिया था वहाँ के जनता के स्वास्थ्य सेवा के लिए, लेकिन भवन जर्जर होकर टूट गया। उसके बाद भूमाफियाओं की नज़र उस जमीन पर है। ठीक इसी तरह यहाँ ये स्वास्थ्य केंद्र वर्षों बना था, यहाँ के एक मुखिया थे चंद्रशेखर सिंह, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। यहाँ पर ANM भी आती थी, गांव के लोगों का इलाज भी होता था, लेकिन इसकी दुर्दशा देख लगता है कि प्रशासन निश्चित तौर पर लापरवाह है, या फिर यहाँ के विधायक की बात करें तो। सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ से 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर यहाँ की गरीब बेबस मजबूर जनता और पीड़ित इलाज कराने के लिए बहादुरपुर के स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। हमारे साथ मुखिया हैं, क्या है ये यहाँ का ये कहानी? ये लगभग हम लोग तो करीब 1990 से, जब तक हमारा अपना अंदाज लगाए ध्यान है, जो 1990 से हम इसको उसी अवस्था में देख रहे हैं जो आज है, सो पहले भी था। इसमें किसी प्रकार का कोई न परिवर्तन देख रहे हैं, और इससे पहले कई भी ग्रामीण लोग भी, मतलब मुखिया जी भी बने, वो लोग भी कई जगह अपना आवेदन दिए। इसके बाद फिर हम बने हैं, जिस समय बने हैं तो हम भी माननीय हमारे विधायक जी हैं, भोला जी हैं, उनको भी मैंने बोला और बाजाबते लेटर पैड पे भी लिख के दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य प्रभारी हमारे हैं, ब्लॉक प्रभारी, उनको भी मैंने बोला, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको भी बोला, लेकिन इस पर कहीं कोई नहीं देख रहा है, कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, क्या हुआ या ना हुआ। जबकि ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से करीब बहादुरपुर का लास्ट पंचायत पड़ता है जो यहाँ से करीब 11 किलोमीटर आगे है, जो उग्रा महापारा पड़ता है, लास्ट सीमा है 11 या 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर होगा यहाँ से अप्रॉक्स। लेकिन वहाँ का अगर ये PAC बनने के बाद, वहाँ के लोग भी यहाँ पर आकर के इलाज कराते थे पहले और करा सकते हैं इस पंचायत के अंतर्गत। अच्छा, आप युवा मुखिया हैं। जी जी, क्या लगता है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या बेहतर कार्य होना चाहिए? अगर मान लीजिए हम पूरी तरह सरकार पर छोड़ दें या प्रशासन पर छोड़ दें, तो यहाँ की जो पीड़ित जनता है जो स्वास्थ्य लाना चाहते, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए तो तत्काल फिलहाल व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र का इतना आवश्यकता व्यवस्था है, मान के चलिए अभी ये सबसे हमारे दलित टोल है, यहाँ पर मान के चलिए ना बिजली, इस बार बिजली लगा है, इतना यहाँ पर दिक्कत होता है जिसका वर्णन नहीं, और प्रशासन इस पर एक भी जरा सा नज़र नहीं है। मान के चलिए अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो इस अगल बगल के 3-4 पंचायत यहाँ से इंक्लूड है, बसतपुर हो गया पंचायत, आपको बरुआरा पंचायत हो, ये लोग पंचायत के यहाँ पे आकर के इलाज करा सकते हैं, उनको ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं है, दरभंगा जाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी अगर ये बन जाती है तब। अच्छा, कुछ तो उपाय बताया गया होगा विधायक के द्वारा या विधायक, माननीय विधायक जी बोले जो अभी हम लोग के पास तो फंडिंग का ऐसा है नहीं, अगर फंडिंग आएगा तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे, देखेंगे। और गत वर्षों से यही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो सांसद से भी आपने मिला, सांसद कोष भी होता है, और तो उन लोग, हाँ, सांसद जी से मिले थे, माननीय कीर्ति आजाद जी हमारे सांसद थे, उनसे एक बार हम मिले हैं, इससे पहले मुखिया जी मिले होंगे हमको अपना, या क्या बोले सांसद ने? बोले जो ऐसा देख रहे हैं हम लोग, जो हमारे लोग के नज़र में है, जब विकास का ऐसा कोई मुद्दा आएगा आपके यहाँ जो बनेगा स्वास्थ्य केंद्र। ये मामला कई बार हमारे ग्रामीण लोग भी है ना, कई चैनलों पे दिया है, हम लोग खुद देखे हैं, इससे पहले मुखिया, हम 2 साल मुखिया बने, इससे पहले भी हम कई पेपर में हम लोग भी पढ़े हैं जो ये मुद्दा दिया हुआ था स्वास्थ्य केंद्र के लिए। ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाए यहाँ के गरीब, कितने जमीन में है यहाँ पर? लगभग रखिए ना 1.5 कट्ठा के आसपास होगा। तो चले हम बता दें, 1.5 कट्ठा के आसपास यह वर्षों पहले बनकर तैयार था यहाँ के पीड़ित जनता के लिए। और स्वास्थ्य और शिक्षा दो महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी सरकार की उपलब्धि को गिलाने के लिए, लेकिन वर्षों से परे इस स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा आप देख रहे होंगे। इसके बनाने में लाखों रुपए खर्च तो हुए होंगे, लेकिन उपयोगिता बहुत कम है। अब सवाल ये है कि मुखिया के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने के बाद यहाँ के विधायक, सांसद या फिर ब्लॉक के अधिकारी क्यों पूरी तरह लापरवाह हैं? ग्रामीणों की, जनता की आवाज़ अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो 4 पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाएगी, न कि यहाँ से 10-11 किलोमीटर जाकर के इलाज कराने नहीं जाना। अगर इस पर कोई मौत होती है या कोई बड़ी घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर इन लोगों को लेना पड़ेगा। धन्यवाद।
जी सर। सर पहले तो मान के चले फंडिंग ही नहीं था, इसके बाद फंडिंग आया, फिर यहाँ आया तो अब जमीन विवाद है, डिटेल में नहीं दिए, डिटेल में दी तो बनने से इनकार कर रहे हैं भाई, किसी के जमीन में तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए ना इसको कोई छूता है ना छाता है, कोई टच नहीं करता है, इसमें जो कहते हैं झंडा भी यहीं तो फहराया जाता है, पंचायत भवन यही है। चलिए संवैधानिक रूप से चलिए बीनी अंदामा के दूसरे प्रमुख समस्या पर। इस पंचायत में अभी जो पंचायत भवन है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी हंसी लग जाएगी। पंचायत के विकास के बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है पंचायत भवन की, वो देखिए। ये 84-85 में ये भवन बनकर तैयार था, यहाँ जो भी मुखिया का या पंचायत का जो भी कार्य होता था यहीं पर होता था, अभी भी, लेकिन अभी भी हो रहा है कार्य, लेकिन इस तरह जर्जर टूटे हुए सांप कीड़े के इस पंचायत भवन में आदमी तो नहीं आते, बल्कि जानवर और सांप कीड़े अवश्य रहते हैं। मुखिया हमारे साथ संजीव जी, क्या स्थिति है इसके पंचायत भवन? इसकी स्थिति ये करीब 1984-85 में ये पंचायत भवन हमारे माननीय मुखिया जी थे उस समय में, चंद्रशेखर आजादी, उन्हीं के रीजन में बना था, और शायद हम लोग को सुनने में जो आ रहा है जो जमीन भी उन्हीं का है, उस समय में शायद वो डोनेट किए थे, लेकिन रिटेल रूप से डोनेट नहीं कर पाया, जो भी हो प्रॉब्लम वो हम लोग नहीं जानते हैं, और जानकारी भी नहीं मिल पा रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं मिलता है। अब हम लोग चाहते भी है बनाने के लिए, तो निजी ज़मीन है वो, और अपने चले गए, उनके जो पुत्र हैं, एक पुत्र तो एक्सपायर कर गए और एक ही पुत्र है, तो जो है वो थोड़ा कह रहे हैं जब नहीं हमारा निजी जमीन, हम नहीं बनने देंगे, बनने से इनकार कर रहे हैं, जो भी हो प्रॉब्लम है। अच्छा, हर जगह पंचायत भवन बन रहा है, हर पंचायत बन रहा है, क्या आपके राशि आई पंचायत भवन बनने की? नहीं, मेरे यहाँ राशि भी नहीं आई। क्यों नहीं? ब्लॉक प्रखंड के विकास पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? हो सकता है यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं हो, इसके लिए नहीं राशि आई होगी, जहाँ तक पंचायत सरकार भवन के लिए। तो ये आप 2 साल से हैं, आपको मालूम नहीं कि इस गांव में कहाँ सरकारी जमीन है जहाँ पर हम लोग बना सकते? सरकारी जमीन है, लेकिन सरकारी जमीन में इंक्रोचमेंट ज्यादा है, इंक्रोचमेंट ज्यादा है, इसलिए जो पहले सब के लोग जो थे वो खतियान वगैरह बनवा लिए, खतियान वगैरह बनवा लिए, खतियान वगैरह बन गया तब उनका जमीन हो गया, और इंक्रोचमेंट है कि जो भी कहीं बचा हुआ है, मान के चलिए साइड बे साइड में बचा हुआ है, उसका इंक्रोचमेंट। तो इसमें प्रशासन आपकी हेल्प मदद नहीं कर पा रहा कि अगर इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, तो उसको हटा करके? कई बार मैंने अंचल में सीओ साहब को बोले जी भाई मेरे यहाँ तो मान के चलिए एज ए यहाँ पे कंप्लीट फॉरवर्ड का बस्ती है, और इस अंदामा में खास करके, और इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, तो वो आप पेपर तो पहले सबसे पहले इंक्रोचमेंट यहाँ पे दुरुस्त कीजिए, इसके बाद ना जमीन पता चलेगा कहाँ पे जमीन है। ऐसे हम तो अमीन है नहीं, हम लोग तो अमीन नहीं है, और रेबुन से हम लोग को कम संबंधित हम लोग हैं, उतना जानकारी है नहीं हम लोग के पास, तो इसलिए हमने अंचल में कहा जो आप देखिए जो अगर जमीन जहाँ भी खाली हो, रिकॉर्ड तो अंचल के पास है, अंचल ही इसमें कर सकते हैं, तो इंक्रोचमेंट है, जो भी कहीं बचा हुआ है जमीन सरकार का जो भी है वो इंक्रोचमेंट में है। तो क्या लगता है कि बीनी अंदामा पंचायत बिना पंचायत भवन के काम करेगा या फिर? हम लोग वही इसलिए कई बार प्रयत्न कर रहे हैं, अभी भी ग्रामीण स्तर से भी हमारे ग्रामीण लोग भी तत्परता है, जो उनको जाते हैं कहते हैं जो भाई इतना हो गया अब इस बार तो गांव का मुखिया बनाए कम। वीडियो के क्या पहल है, वीडियो के क्या लगता है भूमिका इसमें? वीडियो साहब की कोई वीडियो साहब भी चाहते हैं जो पंचायत भवन बने, उनका कहीं ये नहीं है, दुरुस्त व्यवस्था में वो भी लगे हुए हैं, जो कैसे वो भी हमारे ग्रामीण लोग से बातचीत करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है जो ब्लॉक में हमारे ग्रामीण लोग भी जाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं जो मतलब ये पंचायत भवन तो क्या राशि नहीं है या फिर जगह नहीं है? जगह का अभाव है, राशि है, राशि हो जाए, अगर जगह हो जाए तो राशि हो जाएगी। तो चले ये है, बता दे बीनी अंदामा पंचायत का ये पंचायत भवन, और हम आपको ले चलते हैं, इसमें आने में भी डर सा लग सकता है क्योंकि ये पूरी तरह जानवर और खटाल, और जबकि हर वर्ष मुखिया जी यहीं पर झंडा तोलन भी करते हैं इसी पंचायत भवन में, और इसी पंचायत भवन में पंचायत का कार्य भी चलता है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह ये जर्जर बना हुआ है। तो हम बड़े बड़े दावे अवश्य कर लें, लेकिन जमीन की सच्चाई अगर दिखाना चाहते हैं तो ये हकीकत है, सरकार समझे इस बात को, या तो विधायक की राशि या सांसद की राशि का सही जगह उपयोग नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर कोई मुखिया नहीं बोल पा रहे हैं तो उस मुखिया के पंचायत के विकास पर राशि सही ढंग से नहीं दी जा रही है, जिस तरह विकास अधूरे हो रहे हैं। ये है बीनी अंदामा पंचायत का पंचायत भवन, और आपको आश्चर्य लगेगा विकास के बड़े बड़े दावे, लेकिन एक पंचायत भवन ऐसा भी। धन्यवाद। केंद्र के विभिन्न समस्याओं पर हम आपको आज नजर डालते हैं। सबसे पहले ये दिखा दें कि ये आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 160 है, 116 बहादुरपुर प्रखंड का, यहाँ एक भवन में, ये निजी भवन है जहाँ सेविका किराया दे करके भी यहाँ के गरीब बच्चों को देखिए हाथ में
थाली लिए हुए, यही उद्देश्य भी है आंगनबाड़ी केंद्र का कि बच्चे खाने के बहाने आंगनबाड़ी केंद्र आएंगे और पढ़ेंगे। प्राइवेट में तो प्ले स्कूल आपने देखा होगा, लेकिन गरीबों के लिए यही प्ले स्कूल है आंगनबाड़ी केंद्र, जहां एक तरफ तो खाना बन रहा है गरीबों बच्चों के लिए, और ये बच्चे देखिए किस तरह प्ले स्कूल की तरह खेलते भी नजर आते हैं और यहीं पर रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं। सवाल ये है कि सरकार जब भवन बना रही है, राशि दे रही है, तो आखिर CDPO की निगाह इस पर क्यों नहीं पड़ती है? क्या समस्या है इनकी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही कि थोड़ा भवन बन जाता तब अच्छा। कब से भवन नहीं बना आपका? हाँ, 97 का वाहली हम लोग हैं, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना है। क्यों, आप लिख के दिए हैं? दिए हुए हैं। जगह है आपके पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र में? 4 वार्ड में जगह है, आम जमीन है, लेकिन इनक्रोचमेंट है, हम बोले ना। हाँ, तब अपना नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा है। अच्छा, तो यहाँ CDPO आती है? आती है कभी साल, एक साल, दो साल, लेकिन सुपरवाइजर CDPO साल दो साल में आती है। सुपरवाइजर को आपने कहा यहाँ की समस्या? सब कुछ जानती है, ऑफिस में मेरा लिखित दिया हुआ है। अच्छा, कोई इसका कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं? 40 बच्चे हैं आंगनबाड़ी में, लेकिन इस बार जो नया मैडम आई CDPO बोले कि 35 का ही उपस्थिति में नाम दर्ज कीजिए। 35 का ही, और 35 के हिसाब से ही आपको अच्छी देना है? हाँ, देना। तो आपका रेंट कब से मिल रहा है आपको? जब से यहाँ आया, पहले अपना दरवाजा पर चलाते थे, जब से यहाँ आया तो कुछ दिन चला है, वहाँ स्वास्थ्य भवन है जो टूटा हुआ है। हाँ, वहाँ चला है, तो वहाँ भी जब क्षतिग्रस्त अथी होने लगा, छत पर से झड़ गया, गिरने लगा, तो वहाँ पर लिखित दिए कि छत में गिर रहा है बच्चा सब, चट्टान का, तो ऑफिस बोला जो कि जाइए आप किसी दरवाजे को रेंट पर ले लीजिए। तो दरवाजा है 4 वार्ड में, कोई ऐसा गरीब मोहल्ला है नहीं मिला, तो यहाँ मिला एक दरवाजा। तो हमें रेंट पैसा आपको मिला कि अभी बाकी है? पैसा नहीं मिला आपको? पैसा तो आईबे करता है, पहले नहीं मिला था, लेकिन 2 का एक बार मिला है, इस बार पूरा पैसा मिल रहा है। मिल रहा है, 24 मिलता है। 24 कितना मिलता है आपको इसमें रेंट वाला? 2400 साल में, साल में 2400, 200 महीना। तो चले हम बता दें, हकीकत आप जान ही चुके हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, वो पंचायतों में विकास कहां तक सच्चाई है, हम धरातल की सच्चाई आपको दिखाना चाहते हैं और आपके दिल को हम झकझोड़ना चाहते हैं। छोड़िए शहर, जरा गांव के लोगों की समस्या को जानने का कोशिश कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को जो हाथ में कटोरा लिए हुए ये हैं, इनकी भी आकांक्षा है कि ये प्ले स्कूल में पढ़ें, लेकिन ये इनका प्ले स्कूल ही है। और इन बच्चों ₹250 के लिए आता है, तो पूछ लीजिए पब्लिक से, पूछ लीजिए बच्चे से, पूछ लीजिए, हमसे नहीं पूछ, हम झूठ भी बोल सकते हैं। तो ये बता दें, सच्चाई है और हम सच्चाई दिखाते हैं। हम तमाम प्रखंड के, चाहे CDPO हो, CDPO को भी कहते हैं जो साल दो साल में एक बार आती है, कभी एक बार घूम करके आप महीने दो महीने में भी अगर घूम लीजिएगा तो आपको जमीनी हकीकत मालूम हो जाएगा कि किस तरह सेविकाओं को परेशानी हो रही है, किस तरह इस बच्चों को परेशानी हो रही है। इनके आंखों में भी आशा की किरण है कि वो प्ले स्कूल की तरफ पढ़े, अपने कैरियर को सवारे बनाए, लेकिन शायद जो स्थिति है सरकार और प्रशासन का, इसमें इस बच्चे का कभी भी विकास नहीं हो सकता है, ये तो हम दावा कर ही सकते हैं। जरूरत है प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुले और इन तक राहत पहुँचे। धन्यवाद। जिंदगी की डोर सब कुछ है, बहुत कमजोर होती है, जिंदगी की आशा बहुत मजबूत होती है, क्योंकि आशा पर ही जिंदगी है और आशा पर ही विकास। इन गरीब लोगों को चेहरे पर अगर एक झलक अजीब जरा दिखाएं, इन गरीब लोगों के चेहरे को जरा गौर से देखिए, इनके चेहरे पर आशा है और आंखों में निराशा। आशा इसलिए कि सरकार इन लोगों के लिए योजना दे रही है, पैसे दे रही है, इंदिरा आवास दे रही है, राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, हर घर जल का नल दे रही है, सारा कुछ दे रही है, लेकिन निराशा इसलिए कि इन तक पहुंच नहीं पाया है, इनको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इनके आंखों में निराशा है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए दर दर भटकने वाली महिला, इनको इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, ये सरकार और प्रखंड के प्रशासन है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन भुगतना इस गरीब को पड़ता है। कौन बताएगा इनकी हकीकत? मिथिला मसूर जब गांव में पहुंची है तो हमें हकीकत पता लग रहा है, और हम इस बात को BDO तक, CO तक उठाना चाहते हैं, और हम कहना चाहते हैं प्रखंड के लापरवाही अधिकारी, आप सावधान रहें,
क्योंकि इन गरीबों की गलतियों के या इन गरीबों के साथ अगर कुछ घटना होती है तो जवाबदेह सिर्फ आप होंगे। इन गरीबों के चेहरे को देखें जरा गौर से, क्या लगता है कि सरकार के प्रति इन लोगों की जो आशा है, जो ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को पैसे मिले, इन लोगों का घर बन जाए, इन लोगों को समय पर राशन मिले, ये गरीब लोग हैं। सरकारी योजनाओं को लाभ की आवश्यकता सिर्फ इन लोगों को है, लेकिन वास्तव में क्या है? देखिए, सबसे पहले इस गरीब बूढ़ी माँ का, जो कि दर दर की ठोकर खा रही थी, इनको पहले 2000 रुपया ले जाके दे दिया गया, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन जब देखा गया तो इनका नाम कहीं भी उस वृद्धावस्था पेंशन में इनका नाम दर्ज नहीं है। अब ये बूढ़ी कहाँ भटकेंगी? अगर इन्हें कुछ पैसा मिलता था, उस पैसे से संतुष्ट होता था। कब तक आपको मिला था? बोलिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ वृद्धावस्था पेंशन? जोर से बोलिए। हाँ, की भेल? पैसा भेटल वृद्धावस्था? नहीं भेटल। कहाँ गेल रही है? कहियो नहीं भेटल। अच्छा, कहियो नहीं। कते पैसा एक बार भेटल रहा? एक बार कते मिलल? 2000 भेटल कहो कुर्सी से कथे के अतुल दियलखिन आ राजकमल दियलखिन आ ओ दिन से कहियो नहीं भेटल यार। कल के खातो खोला ले पंथा के खातो खोल लिया आ तैयो नहीं भेल ओ दिन से नहीं भेल। कहिया अहाँ के भेटल? कते साल पहले भेटल? चार बरस हो गल। मैंने 4 साल से पैसा फिर नहीं भेटल? नाम अहाँ के नहीं आये? ना भेटल? कतो से? पोस्ट ऑफिस में? तो अहाँ के 1200 में 200 राख ले? 1000 दिल? 1000 की कहलक? 1000 रुपया एवरी आधा पाई मिलल छला। हाँ। 1000 दो का हमरा फुसला के बना देल की कहल? GST काट ले की? हां, आ 1000 रुपया लेके बना देल आ 1000 रुपया छत्ता के धर रखल त फेर हमरा खाता में निकल त फेर गेली त हमरा 1000 रुपया। चलिए, आपने देखा गभी गरीबों की समस्या हमने दिखाया आपको। 200 रुपया GST के नाम पर काट ले जाते हैं शायद ये अधिकारी और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। इन गरीब लोगों को किस तरह सता रहे हैं जरा सोचिए गौर से। 100 रुपया मिलता है इन लोगों को प्रति माह, क्या होगा उसमें? और उस 100 रुपया में भी अगर कोई कमीशन खा जाए तो कितना दुर्भाग्य है देश का, कितना दुर्भाग्य है इस सिस्टम का, और कितना दुर्भाग्य है इन गरीब लोगों का। इन लोगों की सजा सिर्फ ये है कि इन लोगों ने गरीबी में जन्म लिया है, लेकिन सरकार इन लोगों के लिए जब लाखों करोड़ों रुपये दे रही है फंड, तो आखिर इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? चलिए, आप दिखाते हैं इन महिलाओं की क्या क्या समस्या आपको। हमको समस्या आई है, हम तो प्रदेश था राजस्थान में, अब यहाँ आया 3-4 साल आया हो गया। यहाँ पर कहता है जो नाम जुटा दो, राशन कार्ड बनवा दो, तो कहता है जो फला जब से कागज लाओ जो बनवाएंगे, तो वो कहा जो कोर्ट से हापी डीपी बना के लाओ, वो भी बना के रख रखा है, वो भी बना दिलक। अच्छा, आपको आवास मिला है? इंदिरा आवास? ना, इंदिरा आवास ही कभी नहीं, हम सब यहाँ नहीं छी तो नहीं मिले। अब एलिए तो आब तो मिले के राशन मिले न कुछ नहीं दया छे नाम हया तक नाम छे काट दिल के नाम नहीं दे कोई अब नहीं हिया तो नहीं के ब्लॉक में गेल रही है ब्लॉक में नहीं गेलिए कत्ता गेलिए हम हिये गांव में जे है मुखिया है अथी सब छथिन तकरा सब के कोइ छै जे बना दिया जे बनबै छथिन तकरा कोइ छै बना दिया त कोइ छथिन नै जे मतलब दिन से नहीं बनला कते दिन से आय 3 साल से छियन हिया पर 3 साल से नहीं बनला 3 साल से आके अनाज नहीं मिलल नहीं मिलल हां कते परिवार छै आके एठन छियन हां कते परिवार छै हम छियन दू परानी आ एगो दू गो बेटा सब कते छै 5 आदमी 5-6 आदमी सब परानी सब बेटा पुतह लो के धोलिए ना 10 परिवार छी तो लेकिन अहाँ के अनाज अपने से खरीदा पड़ेगा? हाँ, अपने तो खरीदे छी अपने खाई छी। हाँ, बूढ़ा है ना वृद्धा पेंशन मिले है ना हमरा के मिले है ना ओकरा मिले है। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। 3-4 साल घर वाला के मरला भले कुछ नहीं भेटे हमरा। एक तो बेटा कापुर हो गए सब गेले छै जही गेले तब तक कोई नहीं है घर पर। अच्छा, राशन मिले है? अनाज मिले है? खाना तो दे है। अनाज मिले है ना? अनाज कोटा में मिले है से कहे है हमरा सो काट देले हम काट देले हां के की दिक्कत? हमरा दिक्कत है जे हमरा बेटा पुतो के ने हमरा घर दे इंदिरा आवास हेते लोग के भेटले हमरा आती बुरबार कह इंदिरा आवास ने मिलल खत नहीं कहियो ने हमरा के ने घरो द्वार कुछ कह नहीं दे है के भाई भेटले ने 3000 एक बेर 2000 रुपये बस भ गई आ किछो 2000 रुपये हाँ देने छलखिन परसों के वृद्धावस्था पेंशन
दू साल के दिले राशन पानी भेटे ने घर दुआर भेटे एगो बिजलियो लगलिए बिल भरते जाए 20,000 रुपया चलिए हुनका ने काट खोले छथिन खोट खोले छथिन 20,000 रुपया बिजली के आयल सब दिन बिल भरते 20,000 रुपया चढ़ा दिलखिन बिजली के बिल। अच्छा इंदिरा आवास में मकान मिले ना कुछ ना खोपड़ी आई हमारे यहाँ देख छथिन ठारे हमरे मरे यहाँ कुछ ना राशन पानी कुछ ना नाम 2 लीटर मटिया तेल दे 2 लीटर मटिया तेल दे छथिन बस भ गेल इंदिरा आवास कुछ ना जवाब जे पूछे शौचालय बनल के ना शौचालय नहीं बनल किया नाम तैयार है मन नहीं बने लिया और किनको दिक्कत मर दिक्कत हमारा सब ये है जो घर द्वार हमारा सब देखी छे क्या घर द्वार है घर नहीं बना ले ना घर हमने बोल दिया हमने किच्छ नहीं मिला इंदिरा आवास और में किच्छ नहीं है इस सब के बाद कूपन ऊपन किच्छ नहीं देने तो चले एक बार देखिए आज जब मिथिला मंच न्यूज की आवाज आई है तो ये गरीबों लोगों की आवाज बिखुलने लगी है। जब पहले मिथिला मंच आया था जब इनका फोटो लिया जा रहा था तो इन लोगों को डर था कि आखिर फोटो क्यों खिंचाया जा रहा है, इन लोगों को लगता है कि सरकार विभाग के कोई अधिकारी हैं। लेकिन हम बता दें हम लोग जनता की आवाज है, हम जनता की आवाज को बुलंद करते हैं और प्रशासन के अधिकारियों के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं पहुंचता है फिर भी हम चाहते हैं कि ये जनता की आवाज उन तक पहुंचे। हम अधिकारियों के दिल को झकझोरते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं, हम उनको कटघरे में खड़ा करते हैं कि इन गरीबों को अगर नाम नहीं जुट रहा है इंदिरा आवास में, चाहे इनकी जो भी तकनीकी खामी हो या आधार कार्ड हो या इनका अतिक्रमण किया हुआ जमीन हो या इनके अगर जमीन दो भाई में हो, अगर जमीन का कागजात क्लियर ना हो तो सीओ का काम है। इस गरीब को जो कि कागजात पर सिग्नेचर करने नहीं आता है ये लोग कहाँ काम भटकेंगे। और जो तेज तरार होते हैं उन्हें इंदिरा आवास दो दो बार मिल जाता है, आपने देखा भी है सच्चाई। क्या दिक्कत दिक्कत था सर, न घर है न द्वार है, खोपड़ी मरैया है, कमाई छी खाई छी बाल बच्चा के पोसे छी, ये दिक्कत है। अथी नहीं है लेट्रिन नहीं बनल है, अनाज अनाज तो मिल दिक्कत है। हमरा ने घर द्वार है ने हमरा बीपीएल में नाम है ने कोई चीज में नाम देने है ने घरो द्वार आर नहीं देलक कोई चीज में ने हमरा नाम देने। अच्छा अकर अलावा और कोई समस्या आज घर अनाज के बाद और ककरो कोई समस्या? ससुर के 70 साल हो गया ने पिल्स में दिया ने कुछ सस्या तो मर गया, ससुर के कोई नहीं दिया, देवर से बाहर गया जो कोई कमा के नहीं दिया, हम दिया है खाए है रहता है कुछ नहीं दे। तो कैसे खाते हैं कैसे? हम रोप करके कमा करके खिलाएगा, हमारे घर वाला खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। ससुर अनाज मिलता है? हाँ मिलता है। शौचालय आपको बना? नहीं नहीं बनाया शौचालय नहीं बनाया, क्या है पैसा नहीं है तो नहीं बनाया। पैसा मिला नहीं है? नहीं पैसा कहाँ मिला है, हमरा को तो बिजली बिल देता है ते 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 तो माथा पर चलबे नहीं घर हुआ है। तो चले हम बता दें अभी यही समस्या है, अगर हम कहें क्या दिक्कत आप बता रहे थे? हमारे पास जो मिलता था अनाज में 5-6-8 प्राणी अलग अलग होना चाहिए ना, एक ही में जोड़ दिया है देता है उतना ही देना 5 किलो के हिसाब से अलग अलग नहीं मिला ना। कितने लोग हैं आप लोग? 8 आदमी। अच्छा एक मिनट आओ। हाँ उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए, स्कूल का समस्या नहीं है। कितना दूर करना है स्कूल? यहाँ इतना दूर नहीं, गाँव से यहाँ तक बिरवा घाट से यहाँ कुकट है बस, इतना भी स्कूल है कहाँ यही बीच में स्कूल नहीं है। नहीं एक स्कूल का होना चाहिए। तो 65 साल हो गया ये बीनी अंदामा पंचायत में हम है और इन गरीबों की आवाज हम प्रशासन और यहाँ के विधायक तक भी यूट्यूब के जरिए हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। YouTube में मिथिला मंच न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक खबर को पहुंचाने के लिए हम YouTube का इस्तेमाल भी करते हैं। अब सवाल यह है कि इन गरीब लोगों को कौन देखेगा, इन लोगों को सिर्फ मुखिया पर दबाव डालते हैं। मुखिया की स्थिति कई पंचायतों में ये है कि वो मजबूर हैं तो कभी कभी वो परेशान भी, क्योंकि लोग सीधा अगर आरोप लगाते हैं तो मुखिया पर, आरोप लगाते हैं तो सरकार पर, लेकिन ये नहीं जानते कि विभाग में या फिर प्रखंड के जो कर्मचारी हैं वो इतने लापरवाह हैं कि लोगों का कभी नाम गलत कर देते हैं, कभी एक ही इंदिरा आवास जिनको मिलता है उन्हीं को दोबारा नाम मिल जाता है, इन लोगों को शौचालय नहीं बन पाया, इन लोगों की कई समस्याएं हैं। बिजली सबसे ज्यादा इन लोगों ने कहा, ये गरीब झोपड़पट्टी है आप देख सकते हैं,
लेकिन इसमें 20,000 रुपए का बिजली का बिल इन लोगों को आ गया है। क्या ये 20,000 का बिजली बिल जला सकते हैं? जरा सोचिए, ये है गरीबी की हकीकत। आखिर कौन इनकी समस्या के लिए सुनेगा? मिथिला मछली सुबह से लेकर शाम तक गरीबों की आवाज जनता और प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। कभी नेताओं ने इनका हाल जाने का प्रयास किया? कभी अधिकारियों ने इनका हाल जाने का प्रयास किया? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सिर्फ अपने स्वार्थ से। अगर 2,000 रुपया प्रखंड मंडल दे दीजिए तो आपका सारा काम बन जाएगा, नहीं तो ये जनता इसी तरह प्रेरित और परेशान रहेगी। मिथिला में सूर्य के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि लगातार हम विभिन्न जगहों पर गरीबों की आवाज के लिए हम अपनी दबंग आवाज बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इन गरीबों के हित के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ी जाए, वो भी सही तरीके से, और प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाएं। अगर इनका बिजली बिल की सही जांच हो तो इन गरीबों की राहत मिल सकती है। ये है मिथिला मशरूज का मिशन, और इस मिशन में आप भी शामिल हो, क्योंकि यूट्यूब के जरिए आप अपने विचार भी रख सकते हैं। बिउनी अंदवा पंचायत के ग्राम बिउनी से लेकर के बड़ा और सीमांत तक इसका लेंथ है 1500 मीटर के आसपास, और जिसमें मिट्टीकरण पूरे कंप्लीट है। मिट्टी कार्य आप देख सकते हैं हुआ है कंप्लीट। वो सड़क एक सड़क जाती है जो आपको बड़ा और जा रही है, ये सड़क और ये सड़क ऐसे घुमा करके आती है जो आपको ये बड़ा और सीमांत में मिलती है। और ट्रैक्टर वगैरह आने के लिए इससे किसान को ही सबसे ज़्यादा किसान को फायदा है।